हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उस सेट देख रहे हैं मेरे हाथ में Realme 3 Pro। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं। तो क्या करना होगा, देखिए फ्रेंड, आपको जो है सेटिंग को जो है यहाँ से ओपन कर लेना है। देखिए मैं यहाँ से सेटिंग को जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से सेटिंग्स दिख रही होगी आपको, इसको ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करने के बाद देखिए क्या करना है, ऊपर की तरफ रोल करना है। यहाँ से रोल करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है नीचे की तरफ लैंग्वेज का आ रहा होगा ऑप्शन, इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद देखिए क्या करना होगा, यहाँ से क्लिक करने के बाद देखिए इसको ओपन कर लेना है। और देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैंने इस पर जो है क्लिक कर रखा है जो कि हमारे स्टेट की लैंग्वेज है। तो देखिए यहाँ पर आपके स्टेट की लैंग्वेज आ सकती है ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जैपनीज। तो देखिए अलग प्रकार की जो है लैंग्वेज आ रखी है यहाँ पे। तो आप जो है कोई भी जिस भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो मैं आपको एक चीज़ और बताया था उस वीडियो में। तो देखिए आप जो है इंडिया से तो इंडिया पे क्लिक कर सकते हो, या फिर देखिए यहाँ पर और भी देशों के राज्य, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, आपको बांग्लादेश आ रहा है और चीन आ रहा है, तो देखिए हांगकांग आ रहा है, ईरान आ रहा है, तो जापान आ रहा है। तो आप किसी भी जो है स्टेट के तो स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, आई होप फ्रेंड आप सीख गए होंगे कि यहाँ पर लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।